नमस्कार, पंजाबकेसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। प्रदेश में कुल 7 जोन हैं, जहां अलग सियासी समीकरण हैं। कहीं सीएम एकनाथ शिंदे गुट की ताकत ज्यादा है, तो कहीं उद्धव ठाकरे मजबूत है, तो कहीं कमजोर भी है। कहीं पर कांग्रेस के हाथ कमल को खींचकर बाहर फेंकना चाहते हैं, तो कुछ क्षेत्र में अजित पवार की घड़ी शरद पवार का समय बदलने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के मुंबई, कोंकण, थाड़े, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में अलग अलग जगहों पर विभिन्न पार्टियों की अपनी अपनी सियासी पकड़ है। तो चलिए आज हम महाराष्ट्र के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। मुंबई क्षेत्र में कुल 36 विधानसभा सीटें आती हैं। मुंबई हमेशा उद्धव ठाकरे का गढ़ माना जाता रहा है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद ठाकरे को कुछ नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन लोकसभा चुनाव में ठाकरे के 3 में से 2 सांसद चुनकर आए। 2019 में उद्धव ठाकरे के 15 विधायक मुंबई में थे। हालांकि 2014 से बीजेपी मुंबई पर धीरे धीरे कब्जा कर चुकी है। बीजेपी के भी मुंबई में 15 विधायक हैं। बीजेपी के आशीष सेलार, राहुल नार्वेकर, मंगल प्रभात, अमित साटम, तिमल सेल्वन, मनीषा चौधरी जैसे बड़े नेता हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजय चौधरी, सुनील प्रभु, सुनील राउत, रमेश कोरगांवकर जैसे बड़े नेता हैं। मुंबई में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच लड़ाई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होने जा रहा है। कांग्रेस के भी अमीन पटेल, असलम शेख, ज्योति गायकवाड़, नासिम खान जैसे चेहरे मैदान में उतरे हैं। वहीं नवाब मलिक, सना मलिक जैसा परिवार अजित पवार की तलवार की धार तेज कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के कोंकण पर सांसद नारायण राणे का राज हुआ करता था, लेकिन वह जमाना वाला साहेब ठाकरे का था। धीरे धीरे कोंकण क्षेत्र में उद्धव ठाकरे का करिश्मा दिखने लगा, लेकिन आज यहां कांटे की टक्कर दिख रही है। कोंकण में सीधी लड़ाई उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच है। सीएम एकनाथ शिंदे के पास दीपक केसरकर, उदय सामंत जैसे मंत्री है, तो दूसरी तरफ नीलेश राणे, किरण सामंत जैसे ताकतवर नेता है। इस बार कोंकण में एकनाथ शिंदे गुट का जलवा देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र का थाड़े क्षेत्र पहले से एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता रहा है। यहां धर्मवीर आनंद दीघे से लेकर एकनाथ शिंदे तक थाड़े पर शिंदे की छवि रही है। इस बार शिंदे के लिए थाड़े की आर पार की लड़ाई होगी। थाड़े में यूवीटी के खिलाफ शिंदे गुट का मुकाबला होने वाला है। खुद एकनाथ शिंदे थाड़े के कोपरी 5 पखाड़ी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शिंदे के साथ साथ प्रताप सरनाइक, बीजेपी के रविंद्र चव्हाण, गणेश नाइक सभी ताकतवर नेता है। तो दूसरी तरफ राजन विचारे, केदार दिघे जैसे निष्ठावान शिव सैनिक उद्धव ठाकरे की कमान संभालने जा रहे हैं। यहाँ एकनाथ शिंदे किंग मेकर की भूमिका में दिख सकते हैं। वहीं विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में है। 2014 से पहले विदर्भ कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस ने यहां कमल खिला के रखा है। कांग्रेस किसी तरह यहां से कमल को हटाना चाहती है, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है। विदर्भ में कांग्रेस की टीम में नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, यशोमती ठाकुर, नितिन राउत, सुनील केदार जैसे बड़े नाम वाले चेहरे हैं। तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, नितिन गडकरी, चंद्रशेखर वावनकुले जैसे बीजेपी नेताओं की मजबूत फौज है। इसलिए विदर्भ में कमल बनाम कांग्रेस की लड़ाई है। पश्चिम महाराष्ट्र पर गौर करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में जब से शरद पवार ने एंट्री की है, तब से पश्चिम महाराष्ट्र की जनता शरद पवार पर भरोसा करती रही है। शरद पवार खुद बारामती से है, इसलिए पश्चिम महाराष्ट्र की जनता को पवार परिवार की तरह लगते हैं। इस बार अजित पवार और शरद पवार के बीच की यह लड़ाई है। बगावत करने के बाद अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से भिड़ने जा रहे हैं। शरद पवार वाली पार्टी के गुट में सबसे पुराने नेता जयंत पाटिल के साथ साथ युगेंद्र पवार, रोहित पवार और रोहित पाटिल जैसी युवा टीम भी है। इन सब का नेतृत्व सुप्रिया सुले कर रही है। दूसरी तरफ अजित पवार के साथ लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन ये वोटों में तब्दील नहीं हो पा रहा है। बारामती लोकसभा सीट पर अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को लोगों ने पसंद नहीं किया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं मराठवाड़ा में सियासी तौर पर कौन कितना मजबूत है, इस पर भी बात कर लेते हैं।
मराठवाड़ा क्षेत्र में पहले बाला साहेब ठाकरे राज किया करते थे। संभाजी नगर की राजनीति महाराष्ट्र को हिलाकर रखती थी। हालांकि अब शिंदे की बगावत के बाद संजय शिरसाट, संदीप पान, भूमरे, प्रदीप जायसवाल जैसे नेता एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के साथ जुड़ गए। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे फैक्टर में पूरे महाराष्ट्र में शायद असर पड़ा। बीजेपी के खिलाफ मराठवाड़ा में मराठा फैक्टर का लोकसभा चुनाव में इफेक्ट दिखाई दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को मराठवाड़ा में जूझना पड़ रहा है। पूर्व सांसद चंद्रकांत खेरे और विपक्ष नेता अंबादास दानवे ठाकरे को मराठवाड़ा में ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका जादू कुछ काम नहीं कर पा रहा है। वहीं उत्तर महाराष्ट्र के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो उत्तर महाराष्ट्र में बीजेपी का कमल धीरे धीरे खिलते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी के संकट मोचक गिरीश महाजन, एकनाथ शिंदे के दादा भूसे और अजित पवार के छगन भुजबल यहां ताकतवर नेता है। शरद पवार और कांग्रेस पार्टी से भी ठाकरे को मानने वाले वर्ग उत्तर महाराष्ट्र में ज्यादा है। इसलिए लोकसभा चुनाव में शिंदे के नेता को हराकर ठाकरे के सांसद वाजे ने बाजी मारी। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे यहाँ महायुति को झटका दे सकते हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।